हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आदित्य एंड आज की वीडियो गाइस रहने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड फॉर अ गेमिंग लैपटॉप। इसमें लिखा है एक्चुअली 17 इंच के लिए सपोर्ट करता है, बट मेरा लैपटॉप 15.6 इंच का पूरा पूरा कवर हो जाता है। इसमें ना एसुस स्टफ F15, इसमें यहाँ पे है अपने दो राउंड डायलिंग बटन्स, दो USB और ये है RGB लाइटिंग के लिए बटन। इसमें 10 डिफरेंट लाइट्स आ जाती है और इफेक्ट्स आ जाते हैं। फैंस है इसमें, छोटे हैं बट काफी अच्छी कूलिंग दे देते हैं। इसमें से जो एक्स शेप का एक डिजाइन आप देख रहे हो वो एक्चुअली है थोड़ा सा इसमें गैप क्रिएट करने के लिए, पूरा एल्यूमिनियम ऐसा चिपकना नहीं चाहिए, थोड़ा गैप रहेगा तो अच्छी कूलिंग रहती है। जैसे कि ये एक चीज है, दिस इज गोइंग टू होल्ड अ लैपटॉप, है छोटा सा बट अच्छे से आपके लैपटॉप को होल्ड कर लेगा। देन 7 लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट यहाँ से, जैसे आप देख सकते हो ये जो स्टैंड है काफी स्ट्रॉन्ग, काफी स्टर्डी है, एल्यूमिनियम का तो ट्रिप दिख रही है। दिस इज योर RGB लाइटिंग, काफी अच्छी क्वालिटी का, वाटर प्रूफ जैसा लग रहा है देख के, मतलब अपना फोन होल्डर तो इसके अंदर ऐसा फोन होल्डर आ जाता है, पोर्टेबल है, इसको ऐसे कैरी कर सकते हो आप, साइड में लग जाता है। मेजर रीजन मेरा ये सिलेक्ट करने का है इसकी RGB लाइटिंग, इसका फोन होल्डर, इसका 7 लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट, काफी अच्छी हाइट ऐसे चेंज हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स इज 2 USB, तो एक USB इसमें लगेगा कूलिंग फैन के लिए और लाइट के लिए, प्लस सेकंड USB यू कैन कनेक्ट माउस और कीबोर्ड और ऑडियो डिवाइस एनीथिंग। फोन होल्डर है ये अपने कूल पैड के या तो राइट हैंड साइड में लग जाएगा या तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लग जाएगा, और इसमें टोटल 4 ऐसे होल्स हैं, तो कहीं पे भी आपकी जो मर्जी आप वहाँ पे लगा सकते हो। ब्रेड केबल देख सकते हैं आप, ब्रेडेड है, काफी अच्छी क्वालिटी का है, दोनों साइड यूएस भी है। ये है गाइस अपना, ऐसा दिखता है अपना कूलिंग पैड स्विच ऑन होने के बाद। RGB लाइटिंग चालू हो गई है, इसमें 6 फैंस चालू हो गए। इसमें जो डायल पैड दिखा रहा था आपके डायलर्स से ऑल्टरनेट फैंस को कंट्रोल करते हैं, इसकी स्पीड प्लस यू कैन स्विच इट ऑफ एंड ऑन अगेन, ऐसे फास्ट हो गया या से स्लो हो गया, एंड देन यू कैन स्विच ऑफ। पूरे लेफ्ट साइड में घुमा के एक लॉक सी बटन की आवाज आएगी, ये देखो ऐसे लेफ्ट में घुमाया, क्लिक करके आवाज आई, ऑफ हो गया। सेम गोज फॉर द सेकंड डायल पैड, ये बाकी के 3 को कंट्रोल करता है। अगर आपका आवाज आनी होगी, अभी मैंने घर का फैन ऐसी सब ऑफ ही है तो इतनी आवाज आ रही है, नॉर्मली आप फैन ऑन करोगे ना घर का या AC ऑन करोगे तो उसके बाद इसकी आवाज ना के बराबर है। ये गाइस मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, सिर्फ टीवी की लाइट दिख रही होगी। ये अपना ग्लास टेबल है तो इसमें थोड़ा ग्लास से भी रिफ्लेक्ट होकर लाइटिंग डबल हो गई है अपनी, एंड देन फैंस की भी जो लाइट है ब्लू वाली वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है पीछे वेंट्स के साथ साथ। तो ऐसे वॉल पे आपको पैटर्न का दिख रहा होगा, दिस इज फ्रॉम दिस लाइटिंग। कुछ ऐसा अपना सेटअप दिखेगा सब लगाने के बाद, सब सेट करने के बाद काफी अच्छा लुक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा आपके हिसाब से कैसा लग रहा है। दिस इज द साइड लुक एंड देन द फ्रंट ऑफ कोर्स। तो गाइस RGB का ये प्लस पॉइंट है कि आप अंधेरे में भी अच्छे से खेल सकते हो गेम्स, कुछ भी आपको लैपटॉप यूज करना है उसमें RGB लाइटिंग काम में आती है, क्योंकि लाइट भी मिल जाती है, ब्राइटनेस हो जाती है और काफी सूदिंग रहता है आपकी आईज में, ऐसा ज्यादा लाइट पड़ेगी नहीं, ऐसे आपकी आंखों में ज्यादा लाइट चुभेगी नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ हैविंग RGB लाइटिंग इन अ कंप्यूटर सेटअप, लैपटॉप सेटअप। बिना गेमिंग के अगर आपका भी ऑफिस का सेटअप है, स्टूडियो है, आर्टिस्ट हो, कोई भी ऐसे इस तरीके के सेटअप कर सकते हैं। अपना तो ऐसी सिंपल सेटअप है, वॉलपेपर कुछ भी नहीं लगाया, सो जस्ट एक सिंगल कूल पैड से अपना इस तरीके का सेटअप दिखाई दे देता है। ये वीडियो तो एक्चुअली अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अपने फोन मोबाइल होल्डर में मान पे मैंने अपना GoPro रख दिया है। चेक दिस आउट गाइस, ये है अपना गेमिंग कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो, और इसमें अपना रिस्ट सपोर्ट भी है थोड़ा सा, एंड ये लगता है मैकेनिकल है बट नॉर्मल वाला है। इसका प्राइस मुझे पड़ा है गाइस 863, सो 863 रुपीज में कोई कीबोर्ड प्लस माउस का कॉम्बो मिला है। ये वाला गाइस कुछ 1200 का है MRP, मैंने रिफर्बिश लिया है, रिफर्बिश मतलब यूज, बट ये यूज कहीं से भी नहीं लग रहा। ये है इस कीबोर्ड के सारे बटन्स, और ये वाले बटन से अपना कंट्रोल होता है RGB लाइटिंग, ये ऑफ हो गया, ये फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, ये 3 मोड्स है इसके। माउस पर आते तो फिर माउस में ये प्रिंटिंग लिखी है वर्ल्ड ऑफ वॉश, सेम हो गया वर्ल्ड ऑफ वॉश। ये अच्छा कंफर्टेबल माउस है, अच्छा साइज है, ग्रिप अच्छी है, रबर क्वालिटी अच्छी है इसकी, और ये अपना डायल मस्त है ये भी। टोटल गाइस ये DPI का बटन है, प्लस माइनस, ये अपना स्क्रोल एंड लेफ्ट में दोनों बटन मिल जाते हैं, ये अपने क्लिक के साउंड्स, काफी अच्छा साइज है, पाम में बराबर सब फिट हो रहा है पूरे हाथ में। की वायर गाइस ये है रबर वाली, और अपनी माउस की है ब्रेडेड वाली।
इन चारों पांचों चीजों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। ये है अपना पी आई बॉक्स का, इंडियन ब्रांड का बनाया हुआ है, हार्ड डिस्क अपने सीगेट का अलग, बट दिस इज एन अडाप्टर, हार्ड डिस्क अडाप्टर। ये तीनों हार्ड डिस्क सिस्टम सपोर्ट करता है, लैपटॉप हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क, तीनों टाइप के जो है डेस्कटॉप वाली, उसमें ये पावर लगता है, पावर केबल लगता है, अडाप्टर आपके पास वो कनेक्ट करके मैंने लगा रखा है। एंड अपना लैपटॉप पर 500 GB SSD का, 500 GB एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगाई रखी है। गाइस दिस इज माय गेमिंग सेटअप, पोर्टेबल गेमिंग सेटअप है, अपना कहीं भी कैरी कर सकते हो, एक बैग में सब आ जाएगा। अपना हार्ड डिस्क एक्सटर्नल प्लस अपना इंटरनल डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क प्लस विद एन अडाप्टर, गेमिंग लैपटॉप, कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो। एंड ये है अपना कूल पैड, कूल पैड इंपॉर्टेंट है गाइस, गेमिंग लैपटॉप बहुत हीट अप कर देते हैं। जैसे अपना एसो स्टफ में हीटिंग के प्रॉब्लम्स है, बट अब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए हैं। बस एक सिंपल मैं घर का जो फैन है वो और ये कूलिंग पैड लगा के इसके 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहता है। अगर मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में काफी हीट होती है वैसे तो, बट इतने हीट में भी अपना 60 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। एसुस का इंटरनल हार्मनी क्रेट, जिसमें कि अपना यूजर्स दिखा देगा, फ्रीक्वेंसी दिखा देगा, जीपीयू का टेम्परेचर देख लो 46 डिग्री सेल्सियस है, सीपीयू का अपना 50 डिग्री सेल्सियस है। ये कूल पैड से ही है, मैंने अभी फैन भी ऑफ रखा है रिकॉर्डिंग के लिए। गाइस आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे अपना ऑडियो और म्यूजिक सिस्टम के ऊपर। ये है मेरा हेडसेट, हेडफोन, गेमिंग हेडफोन, काफी पुराना मॉडल है ये, को देख के मालूम पड़ा पूरे चितड़े उड़ गए अपने ईयरमफ्स के। बट इसमें गाइस ये अच्छा है कि एलईडी लाइटिंग है इसमें भी, आप देख लो जैसे कि मुझे आरजीबी से कितना लगाव है, मेरे हेडफोन में भी आरजीबी लाइटिंग दिख जाएगी आपको। तो इस हेडफोन में माइक्रोफोन भी है काफी अच्छी क्वालिटी का, आपने गेमिंग में आप वॉइस कमांड दे सकते हो ये यूज करके, और ये पीछे एक डायल भी है वॉल्यूम कंट्रोल का। सेकेंडली गाइस कुछ भी आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी, कुछ एडिटिंग करनी है, तो उसमें आप वॉइस कमांड इससे भी यूज कर सकते हो क्योंकि काफी अच्छा माइक्रोफोन है और सेकंड माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेडफोन विद अ माइक्रोफोन। बोट का तो वेल नोन है, काफी अच्छा ब्रांड है, इसका एक नया मॉडल आएगा, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे बेटर है वो क्योंकि ये थोड़ा हैवी है, आप ये लगा के रखो ना कुछ टाइम तक आपको वेट फील होगा, इससे बेटर नया वाला मॉडल है जो कि लाइट वेट है, मैंने यूज किया मेरे फ्रेंड का और उसके कलर ऑप्शंस बेटर है इससे, प्लस लाइटिंग ज्यादा है उसमें। गाइस स्पीकर सिस्टम जैसे कि एक सिंगल एलेक्सा भी चल जाएगा, आपके पास एलेक्सा कोई ऑलरेडी होगा घर में तो उसको सिर्फ आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो अपने लैपटॉप में, वो बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। तो मैं आप कोई भी वॉइस कमांड्स दे दो प्लस उसको ब्लूटूथ में लाके अपने सेटिंग्स में आके कनेक्ट कर लो अपने लैपटॉप से। यहाँ पे आप देख सकते हो एको डॉट अपना कनेक्टेड है एलेक्सा कोई भी डिवाइस को अपने लैपटॉप से टू यूज इट एज अ स्पीकर। अभी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है और अभी कनेक्ट करने के लिए मैं आप दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। अभी ऐड डिवाइस पे गए, ब्लूटूथ में गए, यहाँ पे सर्च होएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐड डिवाइस करेंगे तो ये तीन ऑप्शन आते हैं, वायरलेस, ब्लूटूथ और एवरीथिंग एल्स। तो ब्लूटूथ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आ गया एको डॉट, तो ऑडियो डिवाइस एको डॉट से सेलेक्ट करना है, कनेक्टिंग में आ जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम आप जैसे अपने एलेक्सा को स्टार्ट करते हो ना तो वो पेयरिंग मोड में जाता है, तो फर्स्ट टाइम आपको भी पेयरिंग मोड में जाना पड़ेगा। लिट फाई ट्रैकेट से कनेक्ट किया गया है, लिट फाई ट्रैक जब आपका पेयर बन गया है तो अगली बार बस कहें मेरा फोन कनेक्ट करें। ओके मैडम, मैं बोल लूं अभी एलेक्सा जाके मर जा कहीं पे। अरे शुभ शुभ बोलिए। तो गाइस लिट फाई ट्रैकेट बोल रही है, बट मेरा नाम लिट फिट रैकेट है, और आपको एक दिखा देता हूँ डेमो कि चलता है ये। सो ये देखो स्पीकर के ऑप्शन में आके स्पीकर एको डॉट लिख के आ रहा है। सो गाइज ये था कुछ अपना ऑडियो सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ये तो अपना हो गया एसेंशियल्स। अब आ जाते हैं बोनस, तो इसमें एक बोनस है अपना ये गेमिंग कंट्रोलर, तो जितने भी गेम्स खेले ना इसमें ऑटोमेटिकली सेट हो गए, ये बॉक्स, ये ट्रायंगल, ये सर्कल, ये एक्स, तो जो भी ये वाले ऑप्शंस है और जो भी कंट्रोलर से सेटिंग्स चलती है ऑलरेडी डिफॉल्ट, वो चलती है इसमें डायरेक्टली बिना मेरे को सेटअप किए हुए। बट आपको कुछ चेंज करना है जैसे ये सब अगर नहीं चल रहे हैं और चेंज करना है आपको, तो वो भी हो जाएगा। लोकल शॉप से खरीदी है, पास में ही एक दुकान है वहाँ से ली है, तो कुछ 500-600 के अंदर कुछ एक सिंगल आ गया था, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर दैट मच, बट मैं लिंक ढूंढ के आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है।